साथियों आपने सुना कि एक वीडियो हर्रई का है जिसमें एक बीजेपी का नेता ने बोला है कि गोंडवाना के दलालों को जूता मारो सालों को। ये शब्द बहुत बुरा हमें लगा, पूरी जनभावनाओं को एक ठास पहुंची है। गोंडवाना आंदोलन से जुड़ा समस्त व्यक्ति जो देश प्रदेश में जहां पर भी रहता है वो बहुत विरोध की स्थिति में है। प्रशासन से हम मांग करते हैं, चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग ऊपर तत्काल कार्रवाई करो। वो जिस मंच में था उस मंच में बीजेपी की वर्तमान बीजेपी के प्रत्याशी मैडम भी थी, वो खुद गोंडवाना आंदोलन से निकल के भाजपा में गई हैं और उनके ही समक्ष ये बोला गया है कि गोंडवाना के दलालों को जूता मारो सालों। आप मुझे बताइए गोंडवाना में काम करने वाले वो सैकड़ों लोग जो दादा मनमोहन साहब बट्टे दादा हीरा सिंह मरकाम जी के मिशन पे काम करते हैं वो कहां से दलाल हुए? जिन लोगों ने दिन रात काम करके ये पीला गमछा और गोंडवाना के आंदोलन को बचाया, गोंडवाना को आंदोलन को मजबूत किया, इनको गाली देने वाले उस व्यक्ति के ऊपर अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। और पटका खापा की इस धरती में हम करें जहां पर भट्टी जी का जन्म स्थल है, जहां पर भट्टी जी का गांव यहीं से पास में देवरी है और वही दादा मनमोहन साहब भट्टी जी ने छिंदवाड़ा जिला के जगह जगह गांव में जाकर गोंडवाना के आंदोलन को पहुंचाया और उन्हीं आंदोलन पे हम काम करने वाले युवाओं को उसी पार्टी का व्यक्ति जो बीजेपी का व्यक्ति ये बोल रहा है कि गोंडवाना के दलालों को जूता मारो सालों के, कहां तक उचित? चुनावी दौर में ऐसे शब्द बोलना और ऐसे गाली गुप्तार देना आचार संहिता का भी उल्लंघन है और इस सामाजिक स्तर पर भी हम इस चीज का विरोध करते हैं। उस मंच में बैठे समस्त भाजपा के जितने भी लोग उस मंच में बैठे थे उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि गोंडवाना आंदोलन को जिस तरीके से आपके रहते हुए आपके नजरों के सामने मंच में जो गाली दिया गया उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त कर सकते हैं और कोई लोग जो आपके तलवे चाटते हैं, जो आपके सारों पे नाचते हैं, लेकिन गोंडवाना आंदोलन के लिए दिनों रात से समर्पित हम युवा इस चीज का विरोध करते हैं। गोंडवाना को, गोंडवाना के लोगों को अगर कोई दलाल कहे गए हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जिसने दलाली किया है वो उसी मंच में था, जिनने दलाली किया उनका नाम लेके दलाल बोलना चाहिए था, पूरे गोंडवाना को दलाल बोला। इससे भट्टी जी को भी आपने ये शब्द बोला, मरकाम दादा को भी ये शब्द बोला है और जितने लोगों ने गोंडवाना के लिए अपनी जान समर्पित कर दी उन लोगों को भी आपने दलाल बोला है। और ये शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था और ऐसे ही शब्द भाजपा के जो लोग हैं अपने मंचों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझ जाइए। आदिवासी क्षेत्रों में अगर आपको राजनीति करना है तो आदिवासियों को आपको सम्मान करना पड़ेगा, उनके आंदोलनों को आपको सम्मान करना पड़ेगा और भारतीय संविधान को आपको मानना पड़ेगा। ये देश संविधान से चलता है, किसी भी धर्म की किताब से देश नहीं चलता और इस चीज का विरोध हम करते हैं। और अगर कल तक अगर पुलिस प्रशासन ने उन पर अगर FIR दर्ज नहीं करी तो पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में, देश के पूरे कोने कोने में हर एक थाने में हम जो है FIR और रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और तत्काल ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो हम इसकी आज मांग करते हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो वही भरी आचार संहिता में हम भी नियम कानून से परमिशन लेके और धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस मामले को धार्मिक मुद्दा हम लोग नहीं बनाना चाहते, हम इस मुद्दे में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए चुपचाप इसमें कार्रवाई हो, अन्यथा अगर इस मुद्दे में हमने राजनीति चालू कर दिया तो बीजेपी के लोगों को एक भी वोट आदिवासी क्षेत्र से नहीं मिलने वाली, इस चीज की मैं गारंटी आपको देता हूं। गोंडवाना के लोगों को गाली देके अगर आप वोट लोगे तो आप कभी वोट नहीं ले पाओगे, क्योंकि हमने देखे हैं चाहे बीजेपी या कांग्रेस के लोग पीला गमछा डाल के आदिवासी क्षेत्रों में वोट लेने पर मजबूर हो चुके हैं। ये वही आंदोलन का लोग है और उसी आंदोलन से निकले हुए लोग अगर चंद बीजेपी में जाके अगर आपको लगेगा कि हमारे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ और आप गाली गुप्तार दे दोगे, बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये समाज, ये जनता ही आपको राजा बनाती है और ये यही जनता ही वोट आपको ना देके वोट में चोट करके आपको भिखारी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी, इसलिए खुली चेतावनी है और उनपे कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा इसका विरोध प्रदर्शन राजनीतिक रूप धारण करेगा। विगत 1-2 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे में हम पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर इसको राजनीतिक माहौल में इस मामले को हम राजनीति मुद्दा बनाकर इसको हम बकायदा उठाने का काम करेंगे, इसलिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। मैं देवरावन भलावी लगातार ऐसे मुद्दे को उठाता हूँ, इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने वाले हम लोग है नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। वो बोलते है ना एक माझी का एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ा देव साथियों।